हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बार बार कमेंट करते थे फ्रेंड्स कि स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, स्टेनोग्राफर का वैकेंसी कब तक आएगा। ठीक है, तो आप लोग का जो है इंतज़ार वो ख़त्म होने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है बड़ी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की निकल के आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज स्टेनोग्राफर के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बिहार गवर्नमेंट की नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया की है। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है उपक्रम है फ्रेंड्स, नीलिट। ठीक है, जिसका नाम है नीलिट, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आपको कैसे अप्लाई करना है और कितने पोस्ट है, पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं और कितने आपके यहाँ पे सैलरी होने वाली है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका यहाँ पे जो पेमेंट फी होता है वो कितना लगने वाला है, इसमें सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए आप एंड तक, आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है स्टेनोग्राफर को लेके, और भी सारी वैकेंसी है, जैसे कि फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम में आपको ये PDF मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ स्टेनोग्राफर की, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बार कमेंट करते हैं कि स्टेनोग्राफर की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी यहाँ पर आ गई है फ्रेंड्स। आपको क्या क्या जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है स्टेनोग्राफर की यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि टोटल यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 7 वैकेंसी है। आपको सैलरी यहाँ पे 20,200 मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ग्रेजुएशन आपका जो है फर्स्ट डिवीजन के साथ होना चाहिए, और आपका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड लिया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपका 100 वर्ड में 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, 100 वर्ड में आपको 80 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ है कौन कौन से शहर में, गोरखपुर, अजमेर, औरंगाबाद, अगरतला, रोपुर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 7 है स्टेनोग्राफर के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइटिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सैलरी जो है आपको 5,400 से स्टार्ट आपको मिलने वाली है सैलरी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन पेमेंट फीस SC ST PW के लिए, ओमेन के लिए आपको 400 रुपया लगेंगे, उसके बाद जनरल अदर के लिए आपको 800 रुपया ऑनलाइन फ़ी लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, कोई भी 250 KB का होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का भी सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएशन का जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका टोटल यहाँ पे अगर भाई करे तो मार्कशीट है तो डिसेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप EWS हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, और साथ में आपका आइडेंटिटी के लिए करंट फोटो होना चाहिए जो कि आपका 250 KB का होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपका 3 से 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सारे PDF आपका JPG में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर और फोटो दोनों 50 KB का होना चाहिए, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो अपलोड करोगे उसका भी आपका 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप
SKB के अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर इसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप आवेदन दे सकते हो, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी मिली हुई गई होगी फ्रेंड्स। अभी भी मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।